भगवान को भी आयकर का टैक्स डिमांड नोटिस आ गया है। हम बात कर रहे हैं भगवान को नोटिस भेजे जाने की। ये नोटिस भी 2-4 लाख रुपए का नहीं, पूरे 2 करोड़ रुपए जमा कराने का है। ये नोटिस प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर को आया है। प्रदेश में ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी। इस दौरान रणजीत हनुमान मंदिर की दान पेटी से 26 लाख से अधिक की राशि मिली थी, जिसमें मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के नाम पर खुले बैंक खाते में जमा करा दिया। कंप्यूटर की रैंडम स्क्रूटनी के मामला संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने 2016-17 की मंदिर की आय निकाली तो ये 2.25 करोड़ निकली है। मंदिर प्रशासक और SDM रवि कुमार सिंह को जब इस नोटिस के बारे में पता चला तो आयकर विभाग ने इस तरह की कार्रवाई की। वह तत्काल आयकर विभाग के अधिकारियों से मिले और उन्हें बताया कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना है और ये प्रशासन के अंतर्गत है, इसलिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं और टैक्स की जिम्मेदारी नहीं आती, लेकिन टैक्स डिमांड निकल जाने के चलते तकनीकी कारणों से बात नहीं बनी है। आयकर विभाग का तर्क है कि खजराना मंदिर की तरह रणजीत हनुमान मंदिर एक्ट से संचालित नहीं है और न ही आयकर की छूट धारा के तहत रजिस्टर्ड है। वहीं मंदिर नजूल की जमीन पर है और यहां कलेक्टर द्वारा मंदिर प्रशासक नियुक्त किया जाता है। सारी राशि मंदिर प्रशासक के माध्यम से बैंक में जमा होती है। प्रशासन का तर्क ये भी है कि धारा 10-23 BBA के तहत सभी मंदिर मठ आदि को आयकर छूट बिना शर्त पर मिलती है, इसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होता। इन्हीं मामलों को लेकर अब प्रशासन द्वारा कमिश्नर आयकर स्तर पर अपील की जाएगी। वहीं 2.25 करोड़ रुपए की राशि मंदिर को दान करके विविध माध्यम से मिली थी और मंदिर का ट्रस्ट आयकर एक्ट की धारा में पंजीबद्ध नहीं होने के चलते इस पूरी आय पर नए आयकर नियम के तहत 77% टैक्स और पेनल्टी लगाकर करीब 2 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड निकल गई। हालांकि मंदिर प्रबंधन द्वारा इसकी अपील की जा रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.